जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को फिर ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। दो दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम वीरेंद्र राम से पूछताछ करेगी। इसकी इजाजत ईडी की विशेष कोर्ट ने दे दी है। इससे पहले वीरेंद्र राम के रिश्तेदार कहे जाने वाले आलोक रंजन को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने आलोक से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। बहस के बाद कोर्ट ने ईडी को आलोक रंजन से पूछताछ के लिए एक दिन की रिमांड दे दी है। वैसे फिलहाल आलोक रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेल में बंद पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी आलोक रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार देर शाम को गिरफ्तार किया। बीते 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब करीब 1.5 करोड़ के जेवरात के अलावा देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। वकील नाम से पहचाने जाने वाले आलोक रंजन को 2019 में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SEBI ने गिरफ्तार किया था। तब SEBI ने अभियंता सुरेश प्रसाद वर्मा के जमशेदपुर स्थित परिसर में छापा मारा था। तब लगभग 3 करोड़ नकद बरामद किया था। बताते चलें कि यह राशि आलोक रंजन के कमरे से बरामद हुई थी। उसने खुद को यहां किरायेदार के रूप में रहने का दावा किया था। हालांकि इस बात का खुलासा हुआ था कि यह राशि इंजीनियर वीरेंद्र राम की थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।